हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए, दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं उनके लिए। बस आपको ये देखना है कि आप कोई भी स्टेप स्किप ना करें, और जो लास्ट में मैं बताऊँगी जो मैंने स्किन केयर किया है और लास्ट वाला स्टेप वो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो उस दिन मेरे पास चावल और पोटैटो का वो पड़ा हुआ था, मैंने जो बॉयल करके रखा था उसमें से थोड़ा बच गया था, इसको मैं मिक्सी करूंगी। मिक्सी में मैंने एक टमाटर डाला है, और ये सबसे ज़रूरी पार्ट है, ये है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जितना ड्रिंक करने के लिए अच्छा है, उतना ही ये फेस के लिए है। फेस के दाग धब्बे, डर्ट, और ये बिल्कुल मतलब ओपन पोर्स सब के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फेस को क्लीन करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आपको क्या करना है, ये ग्राइंड करके आपको ये इसमें आइस क्यूब बनाने के लिए रख देना है। ये जो येलो येलो हो रहा है इसको, ये भी मैंने आइस क्यूब्स ही बनाई थी जिनका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, तो मैंने दोबारा ये वाला यूज़ किया, फिर इसका भी बहुत ज़्यादा हुआ है बेनिफिट मेरे को। तो यहाँ पे आपको ये बना के रख देना है, ये मैं दूसरी से तीसरी बार बना रही हूँ। उसके बाद आपको ये फ्रिज करने के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फिर आपको जो वो बचा हुआ जो वो पेस्ट बना था वो रखा है, अब आपको उसको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं हल्दी और मुलेठी पाउडर, वो जायफल पाउडर, एक राइस फ्लावर, और एक मैं ले रही हूँ ऑरेंज पील। ठीक है, आपको एक बॉल में ये सारे निकाल लेने हैं और सबको इनको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अगर आप ऑरेंज पील बाज़ार से नहीं लेना चाहते, जो कि इतना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, आप घर पे आराम से उसको सुखा के बना सकते हैं। उसके बाद आपने इस सब को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने की सुबह का टाइम है, मैंने सुबह में शूट की थी। अब आपको ये क्या कस्तूरी हल्दी डालनी है, मेक श्योर आप हल्दी कस्तूरी ही लें, किचन हल्दी ना लें। ठीक है, उसके बाद आपको ये मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने अच्छे से फेस वॉश करना है। हमेशा फेस पैक लगाने से पहले फेस वॉश ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी डर्ट वर्ट है वो उतर जाएगी, नहीं तो वो फिर अंदर चली जाती है स्किन के, जो कि बिल्कुल भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब आपको प्लेन वाटर से या फेस वॉश जैसे भी आप चाहते हैं, आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, और उसके बाद अब आप इसको अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। तो ये बहुत ही जल्दी, मतलब इसको मिक्स करोगे तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिर लगाने में प्रॉब्लम होती है। या तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें, जो भी आपके पास लिक्विड है, आप इसमें रोज़ वाटर भी अलग से मिक्स कर सकते हैं, मतलब वो अलग से है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो अब आपको इस तरह से ये पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लेना है, और इसको लगा के आपने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि मैंने इसे लगाने के बाद फिर घर का काम किया था, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाने गई थी। ये मैंने क्योंकि सुबह ही सुबह यूज़ किया था, तो हमेशा मैं फेस पैक या तो सुबह, दो ही टाइम होते हैं मेरे, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जो बेसिक होता है मेरा। लेकिन अगर वीडियो बनाने की बात आती है तो फिर मैं कभी कभी दोपहर में भी बना के यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको इस तरह से फेस पे लगाना है, फिर आपने ये छोड़ देना है। चुका यार, मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम, सुबह के 8:15 बज रहे हैं। अब मैं नहा के आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब मैं ये यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। अब जो मैंने इसकी आइस क्यूब्स बनाई थी, आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप नहा के जैसे ही अपना फेस वॉश करके आते हैं तो आपके थोड़े से ओपन पोर्स जो हैं वो खुले हुए रहते हैं। तो आपको एक आइस क्यूब लेनी है, और आपने ये पूरे फेस पे अपने इस तरह से लगा लेनी है, और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें टोमेटो वगैरह रहते हैं। तो अगर आप प्लेन आइस क्यूब लगाते हैं तो वो भी ठीक है, उसके बाद आपको फेस नहीं धुलना पड़ेगा, लेकिन इसमें टोमेटो और चीज़ें हैं तो इसके बाद आपको फेस ज़रूर से वॉश करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना फेस वॉश कर लेंगे, और फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना, और फिर उसके बाद अपना अच्छे से फेस वॉश कर लेना। मेक श्योर कि इससे ना आप अच्छे से अपने फेस पे मसाज करें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक तो सही होता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है, ये मेरा फेवरेट टोनर है जो मैं दिन में यूज़ करती हूँ, तो ये टोनर लिया मैंने फ़ेस वॉश करने के बाद, और इसको मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मेन चीज़ होती है सीरम, यहाँ पर मैं लूँगी लिनेज का सीरम। लिनेज का जो ये सीरम है ये वाटर को लॉक करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है ये, जो भी हमने अपने फेस पे लगाया ये यहीं का यहीं लॉक कर देगा। मतलब इस सीरम के बारे में तो पहले मैंने इसकी छोटी बॉटल यूज़ करी थी, पर ये मेरे को इतना पसंद आया कि अब मैंने इसकी ये बड़ी बॉटल मंगाई है, और 3 से 4 महीने आराम से चल जाती है। ये है अल्फा आर्बुटिन वाला सीरम, जिसकी मैंने वीडियो पहले भी शेयर की हुई है। इसके बेनिफिट बहुत ही हाई लेवल के हैं, आप चाहें तो वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं।
और इस तरह से आपको ये अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और उसको 2 से 3 मिनट के लिए स्किन में सेट होने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आप कोई भी अच्छी SPF 50 से 75 तक की, अगर घर में रहते हैं तो 30 से 50 तक लगा लीजिए, अगर बाहर जाते हैं तो मेक श्योर आप 75++ वाली सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि धूप से आपको उसी दिन पिगमेंटेशन अगर आपके थोड़ी भी विजिबल है तो वो बहुत